विकासखंड क्षेत्र सकरन की ग्राम पंचायत मदनापुर में सरदार भगत सिंह अमृत सरोवर का शिलान्यास करने पहुंचे सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने अमृत सरोवर के चारों कोनों पर सोलर लाइट लगवाने का वादा किया। सांसद ने इसके अलावा यहां स्थित हनुमान मंदिर के लिए भी एक सोलर लाइट देने की बात कही। सांसद ने इन सोलर लाइटों की खूबियां गिनाते हुए कहा कि इनकी बैटरियों को चोर नहीं चुरा पाएंगे। यही नहीं, ये लाइटें शाम होते ही स्वतः जलने लगेंगी और सुबह होने पर अपने आप बुझ जाएंगी। सांसद ने अमृत सरोवर का शिलान्यास बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा के साथ नारियल फोड़ कर किया। सरोवर की उपयोगिता बताते हुए सांसद राजेश वर्मा ने कहा, आने वाले समय में भूजल का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। जब गर्मी आती है तो गाँव के नल पानी देना बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि हम धरती माता से जल का दोहन तो करते हैं लेकिन धरती माता के कोख में हम पानी जाने का काम नहीं कर दे रहे हैं। इसके लिए ये तालाब बहुत हमारे लिए उपयोगी होंगे। इन तालाबों की गहराई काफ़ी होगी, इन तालाबों में कभी पानी कम नहीं पड़ेगा और जब पानी कभी कम नहीं पड़ेगा तो इनका जो जल स्रोत है वो कभी सूखेगा नहीं। जो भी बारिश का पानी ऊपर से आएगा तो धरती माता की कोख में पानी जाएगा और धरती माता का जो जल का दोहन हो रहा है उस स्तर को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। आज इस तालाब के उद्घाटन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर हम आप सबको बधाई देते हैं और यहाँ के पुजारी जी को, यहाँ के महंत जी को कि उन्होंने अपना अभूतपूर्व सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। यहाँ के खंड विकास अधिकारी, यहाँ के अवर अभियंता, ब्लॉक के सभी कर्मचारीगण और जो मजदूर इसमें काम कर रहे हैं उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ ये तालाब बनके जब तैयार होगा तो माननीय विधायक जी हैं, हम हैं, हम सब लोग मिल करके किसी न किसी योजना में कहीं ना कहीं से जिसको और रमणीक बना सके इसके हम लोग प्रयास करते रहेंगे। इस क्षेत्र में लोग ये कहें कि आप मदनापुर आश्रम पर जाइए, उस तालाब के दर्शन करिए, तालाब को देखिए, ये बड़ा रमणीक स्थल बने, ऐसी हम सब लोग की कोशिश रहेगी। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होगी तो मैं चार सोलर लाइट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं यहाँ पर स्थापित करा दूँगा। अब वो सोलर लाइट ऐसी होंगी जो चोरों से दूर रहेंगी, उसका बैठा नहीं होगा कि चोर बैटरी चुरा ले जाए, वो ऐसी बैटरी नहीं तो निकाल के वो बेच ले। वो लाइट हम लगाएंगे जो 5 वर्ष तक बिन आवाज गत से वो जलती रहेंगी, शाम होगी तो जल जाएंगी, सुबह होगी तो अपने आप बंद हो जाएंगी। वो लाइट हम इस तालाब के चारों कोने पर लगवाने का काम करेंगे और एक लाइट हम आश्रम के सामने जहां मंदिर, 5 लाइटें हम देंगे आपको और ये जल्दी हम भेजेंगे सोलर लाइटें ताकि यहां पर रात में प्रकाश होता रहे। कार्यक्रम कई लगे हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए यहां के खंड विकास अधिकारी, यहां के अवर अभियंता, यहां के ब्लॉक प्रमुख और सम्मानित विधायक जी को सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोगों के प्रयास से इतने लोगों की उपस्थिति हुई है। निश्चित रूप से यह स्थान मदनापुर अमृत सरोवर के नाम से जाना जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका बिस्वा चेयरमैन प्रतिनिधि राजू जैन, भाजपा नेता मन्नू जैन, दिनेश वर्मा, पीयूष मौर्य, कृष्ण कुमार वर्मा, राकेश वर्मा, टीपी सिंह, सुंदरलाल तिवारी, अखिलेश मिश्रा, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, मुलहेराम सोनू मिश्रा, खंड विकास अधिकारी बाबूलाल वर्मा, अवर अभियंता सुभाष चंद्र के साथ क्षेत्रीय गणमान्य मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।